structure determination of penicillin G. How compound structure is determined? If you are making a new compound, if you are building a new compound, then how a structure of that particular new compound can be formed, that we will be looking into this particular. ये सारे पुराने मेथड्स थे. नए मेथड्स में हम जनरली स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन के लिए, लेकिन पुराने मेथड्स में हम केमिकल मेथड्स यूज करते थे स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन. इसमें हम जो हमारा लेबोरेटरीज में अभी हम कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ऑर्गेनिक स्पॉटिंग जो करते हैं, वो स्पॉटिंग के मेथड्स कुछ यहाँ पे हम यूज करते हैं और कुछ थोड़े एडवांस मेथड्स यूज करते हैं. सिंपल मेथड्स जो हम वहाँ पर हमारे ऑर्गेनिक स्पॉटिंग में हम करते हैं, वो मेथड्स भी हम यहाँ पर यूज करते हैं. सबसे पहला होता है कि वी डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. फर्स्ट थिंग इज टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने कैसे डिटरमाइन करना है, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड देन डिराइविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आजकल हम यूज कर सकते हैं मास स्पेक्ट्रम, बट प्रीवियसली वी यूज्ड टू हैव CHNF. हम कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज, नाइट्रोजन का परसेंटेज एंड ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाई ऑक्सीजन जो भी रहेंगे उनका परसेंटेज हम फाइंड आउट करते हैं वाया जेल डांस मेथड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का कार्बन का. सो इन दैट वे वी यूज्ड टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. सो दैट वी कॉल इट एज अ CHN एनालिसिस. इससे हम फाइंड आउट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. पेनिसिलिन जी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और पेनिसिलिन इन जनरल पेनिसिलिन जो जी है, वी है एंड अदर आर देयर. सो दोज आर हैविंग आर ग्रुप दैट वी विल टेक इट. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर पेनिसिलिन इज C9H11 O4N2SR, where R is a different groups are present. अगर वो penicillin G है, then R equals CH2C6H4. That is benzyl group is present, so that penicillin G is also called as benzyl penicillin. Overall, penicillin G का जो molecular formula होगा, with along with this R group, will be C16H18O4N2S. This will be the molecular formula for penicillin G. General molecular formula for all penicillins will be C9H11O4N2S and R will be the group. Second test हम जो यहाँ पे करते हैं वो है presence of carboxyl group. कार्बोक्सिल ग्रुप हम हमारे ऑर्गेनिक स्पॉटिंग में भी हम यूज करते हैं. कार्बोक्सिल ग्रुप फाइंड आउट करते हैं वेदर द टाइप डिटेक्शन में जो एसिड है, बेस है, फिनॉल है या न्यूट्रल है, उसमें हम अगर एसिड है तो कार्बोक्सिलेट ग्रुप हम फाइंड आउट करते हैं. एंड फॉर दिस वी हैव अ वेरी सिंपल टेस्ट. वी हीट इट विद NaHCO3 बायकार्बोनेट में अगर एफर्वेसेंस आते हैं देन we call that as a carboxylate group is present. लेकिन कितने कार्बोक्सिलेट ग्रुप्स हैं ये हमें NaHCO3 से नहीं मिलता है. तो हम क्या करते हैं, फिर इसको टाइट्रेट करते हैं either with NaOH or with KOH. इससे हम टाइट्रेट करके देखेंगे and find out how many carboxylate groups are present. And in penicillin G we have one carboxylate group is present. Penicillin G we have one COOH group is present. So that it reacted with one mole of penicillin G reacted with one mole of NaOH. So with that we can conclude that there is one carboxylate group is present in the penicillin G. Then third test what we do is that we try to find out whether there is a free amine groups are present or not. Free amines group ke liye jo test hota hai, for that we reacted with HNO2. Nitrous acid ke saath hum usko react karte hain. और इसमें अगर नाइट्रोजन गैस लिबरेट होता है, अगर नाइट्रोजन गैस लिबरेट होता है देन वी कंक्लूड दैट देयर इज अ फ्री NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट, दैट इज प्राइमरी अमीन इज प्रेजेंट. लेकिन यहां पे हमें नो प्राइमरी अमीन वी गेट बिकॉज देयर वाज नो लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस.
नाइट्रोजन गैस लिबरेशन वॉज नॉट अकरिंग, सो यहाँ पे जो हमारा N2 है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दो नाइट्रोजन है, ये दोनों नाइट्रोजन हमारे फ्री अमीन ग्रुप्स नहीं है, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है क्योंकि नाइट्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हुआ व्हेन वी ट्रीटेड विद नाइट्रोफैसिल, सो वी कंक्लूड दैट देयर इज नो अमीन ग्रुप प्रेजेंट इन इट, फ्री अमीन ग्रुप यहाँ पर नहीं है. देन वी ऑल्सो हैव सल्फर इन आवर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी ट्रीट दिस विद एक्वियस FeCl3. एक्वियस FeCl3 से अगर हमें इंडिगो कलर मिलता है, we get indigo color with aqueous FeCl3, then thiol group is present, then we have SH group is present, so we can determine whether this sulfur that is present in the molecular formula, whether it is a thiol is present or something different is there, it is a disubstituted or monosubstituted sulfur is present, that we can find it out. Jab iska test kiya gaya penicillin G ke saath, so we did not get any indigo color. So no indigo color was present, and as such, as there was no indigo color was present, SH group is absent. So हमारा यहाँ पे SH group हमारा absent था. So we have NH2 group is absent. Three NH2 group is absent, and three SH group is also absent in penicillin G. So हमें यहाँ पे क्या मिला है? COOH ग्रुप एक मिला है, एक COOH ग्रुप है हमारे पास, बाकी हमारा नाइट्रोजन और जो सल्फर है, दीज आर लिटिल डिफरेंट टाइप्स. दे मे बी सब्स्टिट्यूटेड. व्हाट वी डू इज नाउ वी ट्राई टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज, डिफरेंट टेस्ट वी डू इट. फर्स्ट टेस्ट वी डू इट इज हाइड्रोलिसिस. हम ऑर्गेनिक स्पॉटिंग में नहीं करते, बिकॉज ऑर्गेनिक स्पॉटिंग में हमें सिंपल मॉलिक्यूल्स ही दिए जाते हैं, डिफिकल्ट मॉलिक्यूल्स नहीं देते हैं. सो यहाँ पे हमारा ये डिफिकल्ट मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसमें हम करते हैं पहले हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस में हम हॉट डाइल्यूट मिनरल एसिड्स लाइक डाइल्यूट HCl से हम ट्रीट करते हैं, एंड व्हेन वी ट्रीट इट द पेनिसिलिन गेट्स डिग्रेडेड. अब ये डिग्रेडेशन के बाद में इसके जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वी गेट टू प्रोडक्ट्स, इक्विमोलर प्रोडक्ट्स वी गेट इट, वन इज एन अमीन एंड अदर वन इज एल्डिहाइड. वी गेट एन अमीन एंड वी गेट एन एल्डिहाइड. अमीन वी कॉल इट एज पेनिसिलामाइन, एंड एल्डिहाइड वी कॉल इट एज पेनिलोल्डिहाइड. We get a penicillamine and a phenylaldehyde as two different products we get it, and along with that we also get a carbon dioxide. Carbon dioxide is liberated, one carbon dioxide is liberated. So overall the reaction will be C9H11N2O4SR will be hydrolyzed with two water molecules in presence of dilute HCl. In half conditions, we get two molecules. One is C5H11O2 and S, and second is C3H4N2NO2R. Third is CO2 is liberated. यहाँ पे पांच कार्बन एंड तीन आठ कार्बन हुए और एक ये नाइन्थ कार्बन अकाउंटेड. तो कार्बन एटम्स अकाउंटेड, वैसे ही हाइड्रोजन अकाउंटेड हो गए. यहाँ पे 11 प्लस ये दो, ये चार यहाँ पे, सो 11 प्लस 4 15 हाइड्रोजन्स, देन वी हैव 4 2 एंड सो ऑन, एवरीथिंग इज अकाउंटेड. दिस इज कॉल्ड एज पेनिसिलामाइन, पेनिलोल्डी. We will now have to find out the structures of penicillamine and phenylaldehyde separately. ये हमारे hydrolysis के products मिले, penicillamine and phenylaldehyde. Now we will find out in the sixth test, we will find out the structure of penicillamine and phenylaldehyde.
first we will find out the structure of phenylaldehyde. Phenylaldehyde is having a molecular formula along with this R group, C3H4NO2R. So when it was treated with for hydrolysis, vigorous hydrolysis, हमने पहले माइल्ड हाइड्रोलिसिस किया था विद डाइल्यूट एचसीएल. नाउ व्हेन वी ट्रीटेड फॉर अ विग्रस हाइड्रोलिसिस, दिस गिव्स अस टू कंपाउंड्स. वन इज अ फिनाइल एसिटिक एसिड एंड सेकंड इज अमीनो एसिटाल्डिहाइड, अल्फा अमीनो एसिटाल्डिहाइड. So alpha amino acetaldehyde we get it. That's one compound, and phenyl acetic acid as another compound. So what we can conclude from here is that these two are upon hydrolysis we are getting. So phenylaldehyde ka jo structure hoga wo hoga benzyl group with a CO and NH2. Then CH2COOH. This is aldehyde, so it is a CH2. यहाँ पर हमारा CHO. This is what the structure for phenylaldehyde we can conclude. फेनिलोल्डिहाइड का स्ट्रक्चर में ये जो पार्ट होता है ये पार्ट चेंज होता है, पर्टिकुलरली ये इतना पार्ट चेंज होता है. बेंजील ग्रुप अगर हम चेंज करते हैं और उसकी जगह पे दूसरा ग्रुप डालते हैं तो इट विल बी अ डिफरेंट पेनिसिलिन वी विल गेट. दिस पार्ट इज कॉमन फॉर ऑल. सिमिलरली पेनिसिलामाइन भी कॉमन है. अगर हम आर ग्रुप चेंज करते हैं, इंस्टेड ऑफ पेनिसिलिन जी पेनिसिलिन वी अगर हम लेते हैं तब भी पेनिसिलामाइन हमें मिलता है, CO2 भी हमें मिलता है. फेनिलोल्डिहाइड का स्ट्रक्चर चेंज हो, सिर्फ फेनिलोल्डिहाइड की जगह पे हमें सब्स्टिट्यूटेड फेनिलोल्डिहाइड मिलते हैं लेकिन पेनिसिलामाइन सेम रहता है. सो ये हमारा कांस्टेंट है, ये यहां पर ही सब चेंज होता है. सो आर ग्रुप हमारा फेनिलोल्डिहाइड में रहता है, नॉट इन ए पेनिसिलामाइन. वहां से हमें ये पता चला था. तो यहाँ पे आर ग्रुप जो है हमारा वो बेंजील ग्रुप हम मान सकते हैं, बाकी का ये जो पार्ट है ये कॉमन रहेगा फॉर ऑल पेनिसिलिन. हमने ये एक फाइंड आउट किया स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलामाइन फेनिलाल्डिहाइड. नाउ वी विल सी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलामाइन. बिकॉज हमें हाइड्रोलिसिस में दो कंपाउंड्स मिले थे, पेनिलाल्डिहाइड एंड पेनिसिलामाइन. तो नंबर सेवन स्टेप विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलामाइन. पेनिसिलामाइन का मॉलिक्युलर फॉर्मूला वी हैव सेड दैट इट इज C5H11NO2S. दिस वाज द मॉलिक्युलर फॉर्मूला दैट वाज फॉर द पेनिसिलामाइन. फर्दर व्हेन इट वाज रिएक्टेड विद एक्वियस FeCl3, माइंड इट दैट दिस एक्वियस FeCl3 गिव्स इंडिगो कलर विद अ 3SH ग्रुप. सो दिस aqueous FeCl3 where it was treated with penicillamine, it gave us the characteristic indigo color. यहाँ पे अभी हमें indigo color मिला, means यहाँ पे एक free SH group present. Free SH group is present because it gave us a indigo color. So, जो पहले पेनिसिलिन में नहीं था वो यहाँ पे फ्री हो एस एच ग्रुप अभी मिल रहा है. मीन्स की यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस हुआ है पेनिसिलिन जी का पेनिसिलामाइन एंड पेनिलोल्डिहाइड में, उसमें ये सल्फर ग्रुप फ्री हो गया. वी हैव गॉट इट दिस एस एच ग्रुप. सो दैट वाज वन थिंग दैट वी गॉट इट. देन व्हेन वी हैड रिएक्टेड विद नाइट्रस एसिड, when we reacted this penicillamine with nitrous acid, it gave us nitrogen gas was liberated. It gave the nitrogen gas, which was an indication that NH2 group is
present. That is, 3NH2 is present, or primary amine is present, which was absent in penicillin G. So now, what we can conclude is that this phenylalanine, when it is combining with penicillamine, it is combining through the sulfur and nitrogen. यहाँ का जो aldehyde है, ये aldehyde यहाँ पर, this aldehyde group is combining with SH group and NH2 to form a bond with nitrogen and sulfur. So our carbon dioxide, that is how it will be something like this bond will be present. Then here it will be somewhat like this will be present, but these two are getting combining with this CHO group. Here it will be phenylalanine part, and these two are from the penicillamine group. So this we can conclude it over here from this. Then what we had got it was that penicillamine, when treated with acetone, when it is treated with acetone, it gave isopropylidine derivative. Isopropylidine derivative was obtained. That is, whenever this isopropylidine derivative was obtained, and when this was treated with aqueous FeCl3, no indigo color was obtained. Means this acetone is reacting with sulfur, and also when it is treated with nitrous acid, no nitrogen gas was liberated. Means it is reacting with nitrogen also. So from these two reactions, what we can conclude is that the penicillamine mein hamare paas free nitrogen amine group bhi hai aur free SH group bhi hai, lekin jab usko hum acetone ke sath react karte hain to wahan pe na to free SH group rehta hai na hi free NH2 group hota hai. Means iska jo reaction hota hai wo hota hai nitrogen, that is amine aur thiol group se hota hai. अमीन और थायोल रिएक्ट करते हैं एसीटोन के साथ टू फॉर्म ए आइसोप्रोपिलीडिन डेरिवेटिव. आल्सो कि एसीटोन ग्रुप है जो है वो एसीटोन है, वो काफी छोटा मॉलिक्यूल है, सो ये रिएक्ट कर सकता है 1 2 अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो रिएक्ट कर सकता है, नॉट विद ए फार अवे ग्रुप. हमारा जो एसीटोन ग्रुप है, वी हैव फाउंड आउट दैट इट इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग डायोल्स. लेकिन वो डायोल्स कैसे होते हैं, वी आर प्रोटेक्टिंग दिस विसिनल डायोल्स, 1-2 डायोल्स अगर रहेंगे तो इनका प्रोटेक्शन के लिए हम एसीटोन यूज कर सकते हैं प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज में. वैसे ही अगर यहाँ पे NH2 और SH ग्रुप होंगे तो उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए एसीटोन ग्रुप हम यूज करेंगे, तो हमें आइसोप्रोपिलीडिन ग्रुप मिलता है. मीन्स दिस पर्टिकुलर रिएक्शन सजेस्ट दैट देर इज NH2 and SH group are present on adjacent carbon atoms. That is why this reacts with acetone to form this isopropylidine group, isopropylidine thiazolidine derivative. This isopropylidine thiazolidine derivative is obtained when NH2 and SH are both on the adjacent carbon atoms. So what we have concluded from this reaction is कि हमारे पास ये जो प्राइमरी अमीन और ये थायोल ग्रुप है, ये दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर प्रेजेंट है, दैट वी कैन कंक्लूड इट फ्रॉम हियर. देन फर्दर टेस्ट वी गेट इट इज दैट ऑफ ये इलेक्ट्रोमेरिक टाइट्रेशन. अगर हम करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक टाइट्रेशन, हम पीएच वगैरह पे, पीएच मीटर पे कर सकते हैं या फिर पोटेंशियल मीटर पे भी कर सकते हैं. सो पीएच मीटर पे हम करेंगे तो हमें पीके वैल्यूज मिलता है. So electromeric titrations will give us pKa values.
give pKa values at 1.8, 7.9 and 10.5 values पे हमें pKa values, तीन pKa values मिलते हैं पेनिसिलामाइड के। This we can attribute to जो 1.8 वाला है, this we can give it to carboxylic acid, then जो हमारा 7.9 है, this we can give it to NH2 group, and 10.5 जो है, that we can give it to SH2. So we can attribute these three pKa values to the three functional groups that are present in the penicillamine. Further, the Kundroth determination of methyl side chains. यहाँ पर हमने अभी तक क्या किया हुआ है? We have determined that there is one COH group is present, one NH2 group is present, and one SH group is present. हमारा जो molecular formula है penicillamine का, that penicillamine का molecular formula is C5H11NO2S. इसमें से हमने अभी तक किया है COH, we have taken SH, and we have taken accounted for NH2. Also, we have accounted for दो कार्बन एटम्स. कौन से दो कार्बन एटम्स? ये NH2 के बाजू वाला जो कार्बन एटम है वो, और ये SH के बाजू वाला कार्बन एटम. ये दो कार्बन एटम्स भी हमें मिले हैं वहां पे. बाकी का अभी हमें अकाउंट करना है. So, इसमें से हमने कितना लिया है? एक यहाँ पर कार्बन हुआ और दो कार्बन यहाँ पे. सो C3 वी हैव अकाउंटेड फॉर, देन वी हैव अकाउंटेड फॉर 3 and 1 4 हाइड्रोजन्स, वी हैव अकाउंटेड फॉर 1 नाइट्रोजन, दो ऑक्सीजन्स एंड एक सल्फर वी हैव अकाउंटेड. सो दिस NO2S वी हैव अकाउंटेड, इसमें से दो तीन कार्बन एटम्स और चार हाइड्रोजन्स वी हैव अकाउंटेड. So we are still remaining with two carbon atoms, and we are remaining with 7 hydrogens. 2 carbons and 7 hydrogens we need to account for still. So यहाँ पे ये दो carbon atoms हैं, and hydrogens का इतना ज़्यादा है, so it may be methyl groups can be there. So अगर दो carbon atoms हैं, दो methyl groups रहेंगे, तो CH3 CH3, so C2H6 we can account it, and hydrogen one for any of these two carbon atoms we can account it. So for that purpose, what we can do is we can take a test like Kundroth determination. We can take it Kundroth reaction. We can take it for determination of methyl side chains. So we can use this Kundroth determination of methyl side chains. अगर हमारे पास फ्री मिथिल ग्रुप्स रहेंगे, मिथिल सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे, तो ये हमें टेस्ट देता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है. दिस गिव अस अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर मिथिल साइड चेंज. इसमें क्या होता है कि दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आयोडोफॉर्म टेस्ट. दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू आयोडोफॉर्म टेस्ट, एंड फ्रॉम दिस आयोडोफॉर्म वी कैन फाइंड आउट दैट हाउ मेनी मिथिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट. सो फ्रॉम दिस टेस्ट व्हाट वी गॉट इज दैट वी गॉट टू मिथिल ग्रुप्स. Two methyl groups were obtained from this Kundroth determination. Kundroth reaction से हमें दो methyl groups मिले. So this suggested an isopropylidine side chain is, or isopropylidine end group is present in the molecule. And further, it was also seen that the chemical reactions for this penicillamine, chemical reactions of penicillamine are similar to those of cysteine amino acid. Cysteine amino acid का जो structure है, that is COOH, CH, NH2, CH2, SH. This is the structure for cysteine, and यहाँ पे जो penicillamine है उसके भी काफी सारे reactions इसी molecule के बराबर के हैं. And this also has a SH group and NH2 on the adjacent carbon atoms, and एक COOH group भी है. So what is remaining is this
2CH3 groups. So those two CH3 groups we can attribute it over here. So from this, the structure of penicillamine can be written as this one. So that this is similar to that of cysteine. यहाँ पे दो मिथिल ग्रुप्स की जगह पे दो हाइड्रोजन आएंगे तो इट विल बी अ सिस्टीन. सो इट इज अ डायमिथाइलेटेड बीटा बीटा डैश डायमिथिल सिस्टीन. इसमें SH ग्रुप और NH2 ग्रुप साइड बाय साइड है, एडजेसेंट कार्बन एटम्स है. सो गिव्स अ आइसोप्रोपिलीडिन डेरिवेटिव विद एसीटोन. इट हैज अ वन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑल्सो. और बाकी सारे जो टेस्ट हमने किए वो सारे भी यहाँ पे सेटिस्फाई होते हैं. So this is what we can get it from this penicillamine structure. So what we have determined is penicillamine ka structure humne determine kiya, phenyloaldehyde ka structure bhi humne determine kiya. Now we need to combine these two together so that we can get a overall structure of penicillin G. So uske liye hum kya karte hain, we take the next test, that is test number 7. Test number 6 was this penicillamine structure. Step number 7 is penicillamine structure. So this will be our step number 8. So 8 mein we will try to find out the presence of thiazolidine ring. Because हमारे पास penicillamine में हमारे पास free NH2 और free SH group है, लेकिन penicillin G में free SH नहीं है और free NH2 भी नहीं है. So वो दोनों combined होंगे. So that can be attributed to a thiazolidine ring. So whether thiazolidine ring is present or not, that we will try to find out. So इसके लिए हम क्या करते हैं, we will first hydrolyze penicillin by either NaOH or KOH. इस dilute NaOH और KOH के साथ हम इसका hydrolysis करते हैं and that gives us a carboxylic acid, dicarboxylic acid. Called as penicilloic acid. Dicarboxylic acid, penicilloic acid, which readily eliminates one CO2 group to form penicilloic acid, which is a monocarboxylic acid, penicilloic acid. This penicilloic acid, when it is hydrolyzed by aqueous mercurous chloride, it gives us penicillamine and phenyloaldehyde. So we got back from penicillin G to penicillamine and phenyloaldehyde. लेकिन इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट हमने माइल्ड हाइड्रोलिसिस किया जिससे कि हमें जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड करके एक मॉलिक्यूल जा रहा था वो हमने यहाँ पे रोक दिया एंड वी गॉट अ पेनिसिलोइक एसिड. इसमें से फिर हमने उसको हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड लॉस किया एंड वी गॉट पेनिलोइक एसिड विच अपॉन मर्क्यूरस क्लोराइड हाइड्रोलिसिस गिव अस पेनिसिलामाइन एंड पेनिलोइक. लेकिन ये जो स्टेप्स हैं दिस आर स्टेप्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ थायाजोलिडिन. These are steps which are characteristic of a thiazolidine ring, which gives us that there is a thiazolidine ring is present in the penicillin G. So the structure or the presence of thiazolidine ring is confirmed from this set of tests. Then we needed to find out that what will be the overall structure for this. Penicillin is a monocarboxylic acid. It has one carboxylic acid group that comes from the thiazolidine or thiazoic nucleus. So, वो इस तरफ में अलग से नहीं रहेगा, thiazolidine ring में रहेगा because
that carboxylic acid group is present in penicillamine, not in pyrrolidine. So penicillamine में हमारे पास carboxylic group है, so वो thiazolidine ring के तरफ में रहेगा, दूसरी तरफ में नहीं आएगा. Carboxylic group pinned upon hydrolysis may be present. जो हमारा दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप था जो पेनिसिलोइक एसिड में था, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिला था हमें NaOH के साथ रिएक्ट करने पर, तो वो जो होगा दैट मे फॉर्म आइदर बीटा लैक्टम रिंग और इट मे फॉर्म ए ऑक्सैजोलोन रिंग. सो वी कैन हैव टू डिफरेंट सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर पेनिसिलिन जी. वन इज ए पीएच सीएच टू सीओ एनएच this thiazolidine ring. यहाँ पे ये दो methyl groups attached to this sulfur. So ये जो part है, this part will be our penicillamine. So this part is our penicillamine. और ये जो part है हमारा, ये part हमारा pyrrolidine part है. और ये carbon हमारा loss होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये पार्ट भी, ये कार्बन भी पेनिलोल्डिहाइड का पार्ट है. दिस बिकम्स ए सीएचओ ग्रुप. सो पेनिलोल्डिहाइड में ये पूरा आता है, ये हमारा पार्ट होता है पेनिसिलामाइन में, और ये कार्बन लॉस होता है एज ए कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये एक पार्ट हो सकता है, दिस इज वन पॉसिबिलिटी, नॉट अ कंप्लीट वन. दूसरा हो सकता है आइदर दिस और द सेकेंड वन इज पीएच सी एच टू. We have this carbon double bonded to nitrogen, oxygen double bond over here. We have a CH. This structure also cannot be ruled out because यहाँ पर भी हमारे पास thiazolidine ring है. जैसे यहाँ पे thiazolidine ring है वैसे यहाँ भी है हमारे पास, और ये भी सारा structure जो है वो यहाँ पर भी है. So it can be either this or the other one. So यहाँ से हमें confirm करना है whether it is this A ring is present or a B ring is present. Whether the B structure is present that is oxazolone ring, या फिर A structure that is beta lactam. यहाँ पे ये जो four membered ring है, four membered cyclic amide is a beta lactam, and this is five membered ring containing oxygen and nitrogen, so it is a oxazolone ring. So we can take it as the structures इसके हम कर सकते हैं, या फिर दूसरा हम कर सकते हैं कि इसका जो IR spectra है, IR spectra we can use it. IR spectra gives us penicillin जो है उसका structure के अगर हम IR spectra करते हैं, तो it gives us one characteristic peak at 1770 per centimeter. 1770 per centimeter जो peak आता है, that peak we can attribute here for this carbonyl group, which is a part of a beta lactam. Four membered ring है, and so इसका जो carbonyl का जो stretching होगा वो काफी high होगा, and that will be coming something around 1770 पे आता है. यहाँ पर जो है वो carbon nitrogen का double bond का उसमें नहीं जाएगा, lactone का जो है ester group may go there, but it is a five membered ring lactone, so it will not go to that place. It will go maximum to about 1740 per centimeter, not to 1770. Beta lactam का 1770 तक जाएगा, five membered lactone का 1745. So presence of this 1770 per centimeter peak in an IR spectrum suggests or confirms that it is a beta lactam ring and not the oxazolone. This confirms the structure of penicillin as a beta lactam ring and not as a oxazolone ring.
So from this we can conclude the structure of beta lactam. Structure of penicillin G. As pH CH2 CO NH pH carbonyl nitrogen sulfur, then we have a dimethyl groups and COOH. This is our structure for penicillin G. इसमें ये जो पार्ट है ये पार्ट फेनिलोल्डिहाइड का पार्ट है, ये पार्ट जो है इज ए पार्ट ऑफ पेनिसिलामाइन एंड दिस इज लॉस्ट एज ए कार्बोनिल. सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन जी दैट वी हैव डिटरमाइंड इट.